में जहां एक बार फिर से अंजलि और साथ में एक बार फिर से अर्जुन का झगड़ा होने जा रहा है, क्योंकि जहां अंजलि मना करती हुई नजर आने वाली है कि लूथरा परिवार में अब तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम वहां पर जाकर जो कि अपना आपा खो देते हो और अपने इमोशनल पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। दोस्तों वहीं पे ही एक बार फिर से अर्जुन बोलता हुआ नजर आने वाला है कि ये मेरा परिवार है और मैं इसके साथ जुड़ा रहूँगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है। तुम्हें लग रहा है प्रीता के करीब जा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रीता के करीब नहीं जा रहा, बल्कि मैं अपने परिवार के करीब जा रहा हूँ। मेरा परिवार है, मैं प्रीता से प्यार नहीं करता, बल्कि मैं अपने परिवार से तो प्यार करता हूँ। दोस्तों वहीं पे ही आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीका से लगातार अंजलि और अर्जुन के बीच झगड़ा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं लूथरा परिवार की बात की जाए तो लूथरा परिवार इस समय पूरे ज़्यादा सस्पेंस में घिरा हुआ है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, कि आखिर अर्जुन मने कर रहा है वो करण नहीं है, लेकिन उसकी जितनी भी एक्टिविटी हैं वो टोटल ही करण की हैं। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि अर्जुन आखिर सच क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि उसे सच बताना ही नहीं है, वो खाली प्रीता को उसका असली चेहरा दिखाना चाहता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार प्रीता और अर्जुन के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद चल रहा है। वहीं अंजलि की बात की जाए तो अंजलि कहीं ना कहीं प्यार करती हैं अर्जुन से, और अर्जुन से वो वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और अंजलि का मानना ये है कि अगर इधर जाएंगे अर्जुन यानी कि लूथरा परिवार जाएंगे, तो लूथरा परिवार जाने पर लगातार वो प्रीता के ही करीब जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए अंजलि उस चीज़ से खुश नहीं है। साथ ही दोस्तों राखी माँ को एक अपना बेटा भी मिल चुका है, क्योंकि वो इस समय अपना बेटा का ही दर्जा देती हैं, लेकिन जल्दी ही पूरे लूथरा परिवार को पता लगने जा रही है कि ये अर्जुन हमारा ही बेटा है, ये करण है जो कि नदी में गिरने के बाद बच गया था, और ये करण की वापसी हुई है, क्योंकि पंडित ने इस चीज़ का ऑफिशियल खंडन काफ़ी समय पहले ही कर दिया था। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। थैंक यू।